Fischer esterification and anhydrin test. Fischer esterification ये सबसे एक basic reactions में से है जो कि amino acids करते हैं, ठीक है। amino acids के दो type के reactions होते हैं, chemical reactions की बात हो रही है। एक ऐसे reactions होते हैं जिसमें जो carboxyl part है amino acid का वो reaction में participate करता है, और एक ऐसी type होती है reactions की जिनमें जो अमीनो ग्रुप है वो एक्टिवली रिएक्शन कर रहा होता है, ठीक है। सो सब ये जो एस्टेरिफिकेशन है, दिस इज़ वन ऑफ द रिएक्शंस जो जिसमें कार्बोक्सिल पार्टिसिपेट करता है। बहुत ज़्यादा इनके रिएक्शंस आपके कोर्स कंटेंट का पार्ट नहीं है, सो विल जस्ट डिस्कस वन अमीनो रिएक्शन एंड वन कार्बोक्सिल रिएक्शन। जो अमीनो रिएक्शन है दैट इज़ प्रीटी सिंपल, वो हमसे स्टार्ट में ही बात कर लेते हैं उसके बारे में। If you have any amino acid, let's say this is COOH, this is hydrogen, this is alkyl chain and this is amino group. अगर इसके अंदर आप इसका reaction करवा दो nitrous acid के साथ, अब you know what is nitrous acid? Nitrous acid is HNO2, जिसका नाइट्रिक एसिड होता है ना HNO3, दिस इज नाइट्रिक एसिड, HNO2 इज नाइट्रस एसिड। तो अगर आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाना चाहते हो, लाइक यू कुड डू इट इन मल्टीपल वेज, आप नाइट्रस एसिड कैसे प्रोड्यूस करवा सकते हो, आप सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का कम्बिनेशन यूज़ कर लो, ये वह ऑटोमेटिकली सोडियम क्लोराइड और नाइट्रस एसिड प्रोड्यूस कर देंगे। तो नाइट्रस एसिड के साथ अगर आप रिएक्शन कराओ तो इसका प्रोडक्ट्स ये बनते हैं कि ये एक ऐसा रिएक्शन हो जाता है जो कि अमीनो एसिड के अमीनो पार्ट के ऊपर बेस करता है, ठीक है। और ये जो NH2 ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप यहाँ से ख़त्म हो जाता है और इंस्टेड यहाँ पे आके कार्बन के साथ NO2 की जगह NH2 या अमीन की जगह एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप आके अटैच हो जाता है, ठीक है। जिस तरह ये पहले अल्फा अमीनो एसिड था ना, दिस वाज अल्फा अमीनो एसिड या अल्फा अमीनो कार्बोक्सिलिक एसिड, नाउ दिस पार्ट इज एक्चुअली अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड, क्योंकि इसके अल्फा कार्बन के ऊपर, दिस इज़ द अल्फा कार्बन, इसके ऊपर हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब लगा हुआ है, ठीक है। सो अल्फा अमीनो एसिड्स एक्चुअली चेंज इनटू अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रस एसिड, जो कि आप बना सकते हो सोडियम नाइट्राइट और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रिएक्शन करवा के। इस रिएक्शन के कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी होते हैं, डेफिनेटली इसमें नाइट्रोजन गैस रिलीज होती है और साथ में वाटर भी प्रोड्यूस होता है। वी आर नॉट गोइंग टू द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, वो बहुत डिटेल में हो जाएगा। हम लोग जो आज अपना फोकस रखेंगे वो एस्टेरिफिकेशन पे रखेंगे, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड फिशर एस्टेरिफिकेशन, एंड देन देर इज़ अ शॉर्ट टेस्ट जो कि अमीनो एसिड्स को डिटेक्ट करने के लिए होता है, विच इज़ एनहाइड्रिन टेस्ट, हम उसके बारे में बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन अभी रिसेंटली आपने चैप्टर नंबर 13 ही के अंदर देखा था, इन विच यू सॉ कि अगर आप किसी कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हो विद एन अल्कोहल, सो व्हाट यू गोइंग टू फॉर्म इज एन एस्टर एंड वाटर, एंड देन वी सॉ दैट दिस इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, ठीक है। आप एस्टर और वाटर को, एस्टर को हाइड्रोलाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल भी प्रिपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपने आर सी डबल बॉन्ड ओ एच का रिएक्शन करवाया आर प्राइम ओ एच के साथ, सो आपके प्रोडक्ट्स क्या होंगे, आर सी डबल ओ आर प्राइम, ठीक है। सो दिस इज़ योर प्रोडक्ट, और आपके साथ इसके अलावा क्या होगा कि H2O साथ से रिलीज हो जाएगा, या यू कैन से कि ये जो इन दोनों के एंड पॉइंट्स थे ना, इनमें से एक में से OH और एक में से H सेपरेट हो गया,
और इन दोनों ने आपस में रिएक्शन करके RCOOR' प्रोड्यूस कर दिया। इसका जो एग्जैक्ट मैकेनिज्म था वो भी हमने देखा था। ये पूरा जो प्रोसेस है इट टेक्स प्लेस इन 4 steps। ये जो पूरा प्रोसेस था, द फर्स्ट स्टेप इज कि ये पूरा प्रोसेस आप प्रोटॉन्स की प्रेजेंस में करते हो, एसिड्स की प्रेजेंस में करते हो। सो पहले स्टेप में ये होता है कि जो कार्बोनाइल ग्रुप का ऑक्सीजन है, कार्बोनाइल इसमें एक ही है क्योंकि R'OH इज एन अल्कोहल और इसमें कार्बोनाइल ग्रुप नहीं होता। कार्बोनाइल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है इट अटैक्स दिस प्रोटॉन, ठीक है, ये इसके साथ आके प्रोटॉन लग जाता है। ये डबल बॉन्ड यहाँ से जो है ये ऊपर की तरफ शिफ्ट हो जाता है, एज अ रिजल्ट कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है। सो जो प्रोडक्ट देन बिकम्स RC सिंगल बॉन्ड OH कार्बन पॉजिटिव OH, ठीक है। व्हेन दिस फॉर्म्स तो देन दिस अल्कोहल ग्रुप, विच एवर अल्कोहल यू आर यूजिंग, इट इज दिस वे OH, इट हैज टू लोन पेयर्स ऑन इट। सो दिस अल्कोहल ग्रुप एक्ट्स एज अ वीक न्यूक्लियोफाइल, ये वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे दिस देन अटैक्स दिस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन एंड देन यहाँ पे आके इसके साथ अटैच हो जाता है एंड देन द प्रोडक्ट देन बिकम्स OH, यहाँ पे O के एक तरफ H और एक तरफ R' एंड देन इस O के ऊपर देर इज अ पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज का मतलब ये है कि इस ऑक्सीजन एक एक्स्ट्रा बॉन्ड बनाया हुआ है विद दिस हाइड्रोजन। सो व्हाट हैपेंस इज कि इट टेक्स बैक इट्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस, ये पॉजिटिव चार्ज डिमिनिश हो जाता है यहाँ से एंड देन दिस H इन द फॉर्म ऑफ H+ जॉइंस अ हाइड्रोक्सिल ग्रुप विच मेक्स ऑक्सीजन पॉजिटिव ओवर हियर, ठीक है, एंड दिस इज द सेकेंड स्टेप। And the third step, in fact, अच्छा the first step, I repeat the process, the first step was कि protonation हुई थी, second step was the attack of alcohol, and the third step is जो मैंने आखिरी अभी किया है कि यहाँ से एक proton जो है वो shift हो जाएगा, ठीक है, proton shifts to H and OH and what happens is that protons makes what, the water diminishes from here, यहाँ से जो पानी है ये चला जाएगा H2O की फॉर्म में, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा ऑक्सीजन के ऊपर एंड दिस एक्चुअली गिव्स दिस H2O, बट दिस कार्बन देन बिकम्स पॉजिटिव। दिस OH एज यू सी हियर, ये उनमें से एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है इट डज व्हाट, ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप एक प्रोटॉन यहाँ से डोनेट कर देता है विच गिव्स ऑक्सीजन अ नेगेटिव चार्ज which comes over here और ये दोनों आपस में एक डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो देन योर प्रोडक्ट इज RC OO and OR', ठीक है, which is an ester and in this process as you have seen के बीच में पानी भी अभी हमने लास्ट स्टेप में एलिमिनेट किया था। दिस डी स्टेप वॉज एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड प्रोटॉन, राइट। सो दिस इज़ द कम्प्लीट प्रोसेस के किस तरीके से एक कार्बोक्सिलिक एसिड एक अल्कोहल के साथ रिएक्ट करके एस्टर एंड वाटर प्रोड्यूस करता है। नाउ इफ़ यू लुक इनटू एन अमीनो एसिड में भी हमारे पास एक कार्बन है, उसके ऊपर एक COOH लगा हुआ है यानी कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन और एक तरफ अमीन ग्रुप लगा हुआ है। नाउ एज यू सी दिस इज़ इनफैक्ट अ कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके पीछे कोई एक डिफरेंट चीज़ अटैच्ड है। जब इस कार्बोक्सिलिक एसिड का आप किसी भी अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे, लेट्स से R'OH के साथ, तो व्हाट विल हैपन इज द सेम प्रोसीजर इज गोइंग टू रिपीट। तो लेट आई एम गोइंग टू राइट दैट प्रोसीजर वंस अगेन। दिस कंप्लीट प्रोसेस इज कॉल्ड फिशर एस्टेरिफिकेशन, इट इज़ नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट फिशर, एस्टेरिफिकेशन बिकॉज यू आर मेकिंग एन एस्टर। The four steps involved in this process are, the first one is proton is always attacked with this electronegative oxygen, okay, this is attack and then H will come here and then this bond is going to do this and then this carbon becomes positive. In this part then the second step takes place
विच इज अटैक ऑफ अल्कोहल. अल्कोहल यहाँ से कैसे अटैक करेगा, ये इसके पास लोन पेयर्स है ना, दिस इज अ वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पे, ये इसको इस पॉइंट पे जाके टकराएगा, ठीक है, और उसके साथ जाके अटैच हो जाएगा, जिसकी वजह से इसके ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा. सो लेट्स सी हाउ दिस सी हैज़ वन ओ एच एट द टॉप, वन ऑन द साइड, एंड नीचे इसके साथ आके ओ आर प्राइम एच आके अटैच हो गया. बट देन दिस ऑक्सीजन हैज़ अ पॉजिटिव चार्ज. इस पॉजिटिव चार्ज को ख़त्म करने के लिए ये जो प्रोटॉन है, देन द थर्ड स्टेप टेक्स प्लेस विच इज प्रोटॉन शिफ्ट. प्रोटॉन शिफ्ट इज बेसिकली दिस हाइड्रोजन फ्रॉम हियर शिफ्ट थ्रू द हाइड्रोक्सिल ग्रुप मेकिंग दिस ऑक्सीजन पॉजिटिव, एंड एज अ रिजल्ट एज दिस बॉन्ड पेयर इज ट्रांसफर टू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया. देन दिस H2O विल रिमूव एलिमिनेट, दिस इज द स्टेप डी, एलिमिनेशन ऑफ वाटर एंड अ प्रोटॉन, बिकॉज यू कैन सी देर वॉज अ प्रोटॉन अटैक इनिशियली, सो वो प्रोटॉन अब निकलना भी है बीच में से. सो दैट वाटर पार्ट जो है वो तो यहीं पर निकल गया ना, लेकिन जब वाटर पार्ट निकला तो इस कार्बन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया था. तो दिस हाइड्रोक्सिल इज देन गोइंग टू डू वॉट, ये हाइड्रोक्सिल यहाँ से अपना एक प्रोटॉन डोनेट करके खुद डबल बॉन्ड बना लेगा विद दिस कार्बन, ठीक है. नाउ यू कैन सी एक प्रोटॉन प्रोड्यूस हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हुआ. ये प्रोटॉन वही है जो सबसे पहले स्टेप में हमने रिएक्शन करवाया था, जिस प्रोटॉन का जिसने इलेक्ट्रोफिलिसिटी इंक्रीज की थी कार्बोनाइल ग्रुप की. सी सो दिस इज द फोर्थ स्टेप प्रोसेस इन विच एस्टेरिफिकेशन टेक्स प्लेस फॉर एनी, दिस इज नॉट अ बॉन्ड, फॉर एनी टाइप ऑफ अमीनो एसिड. इन व्हाट्स इंपॉर्टेंट अबाउट दिस रिएक्शन इज के इस रिएक्शन के अंदर जो अमीन ग्रुप है इट डज नॉट पार्टिसिपेट. The amine group is not important here. R prime एक तरफ जो अल्कोहल का था वो एक तरफ आके अटैच हो जाता है, और R जो आपका फंक्शनल यहाँ पे जो साइड चेन होती है अमीनो एसिड की वो वही वाली लगी रहती है. सो दिस वे यू कैन मेक डेरिवेटिव्स ऑफ अमीनो एसिड्स. दिस एस्टर इज देन अ डेरिवेटिव ऑफ एन अमीनो एसिड. आज के लेक्चर के अंदर अभी तक जो हमने डिस्कस किया है, वी हैव सीन के अमीनो एसिड्स के दो टाइप्स के रिएक्शंस हैं. द फर्स्ट वन इज इन विच NH2 या अमीन ग्रुप पार्टिसिपेट्स, एंड देन देयर इज द अदर वन इन विच COOH एक्टिवली पार्टिसिपेट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल वी सॉ के आपका ऐसा रिएक्शन जिसमें आप नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन अगर करवा दो, सो देन दैट इज द रिएक्शन जिसमें अमीनो ग्रुप पार्टिसिपेट्स, ठीक है. वी हैव सीन द प्रोडक्ट जिसमें आप अल्फा अमीनो एसिड कन्वर्ट होके अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड में चेंज हो जाता. लेटर ऑन वी हैव सीन कि आप किस तरीके से फिशर एस्टेरिफिकेशन करवा सकते हो अमीनो एसिड्स की, ठीक है. और अमीनो एसिड्स की फिशर एस्टेरिफिकेशन के बाद यू हैव एक वाटर का मॉलिक्यूल, ठीक है, एंड देन एन एस्टर. Now that we have seen the two different types of reactions, let's discuss another reaction of amino acids. Amino acids may also react with the compound called ninhydrine. Ninhydrine एक compound का नाम है जिसकी shape क्या है, जिसकी shape ये है. As you can see here, this compound here is ninhydrine. आप ज़रा गौर करो इसके ऊपर, ये क्या चीज़ बनी हुई है. ये जो लेफ्ट साइड पे है दिस इज सिंपली अ बेंजीन रिंग, ठीक है. दिस बेंजीन रिंग, सॉरी आई एम बैड ड्राइंग, लेट्स मेक अ गुड वन, ट्राई टू मेक अ गुड वन, यस दिस इज बेटर. ये आपके पास एक बेंजीन रिंग है, ठीक है. विद दिस बेंजीन रिंग यू हैव अनदर रिंग ऑफ 5. Yes, this is good. You have ring of 5 carbons, ठीक है, and then these two carbons have at these two locations two carbonyl groups, ठीक है. Otherwise तो आपके bonds complete नहीं हो रहे थे ना, इन दो carbons के तो bonds जो हैं
वेट, इन दो कार्बन के तो बेंजीन पूरे कर देगा बॉन्ड्स। इस वाले कार्बन के दो साइडों पे हैं और ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। इस वाले कार्बन के भी दो साइडों पे हैं और ऊपर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन हो गया। यहाँ पे अभी एक कार्बन है जिसके साथ आप दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स अगर लगा दो, देन दिस कम्प्लीट थिंग इज कॉल्ड अन एनहाइड्रीन कंपाउंड। ठीक है, इफ यू डू द रिएक्शन ऑफ एन एनहाइड्रीन विद दिस, यू सी दिस थिंग, दिस थिंग इज अ टिपिकल अमीनो एसिड। सो वट हैपन्स इज कि योर कार्बोक्सिलिक पार्ट इज रिटेन्ड, कार्बोक्सिलिक पार्ट इज नॉट रिटेन्ड एक्चुअली, कार्बो इसमें यह होता है कि डी कार्बोक्सिलेशन हो जाती है। डीकार्बोक्सिलेशन की वजह से यू कैन सी कार्बन डाइऑक्साइड इज बीइंग प्रोड्यूस्ड हियर। एंड देन ऑन द अदर एंड साइड व्हाट हैपेंस इज कि जो आपका NH2 था ना, इट रिएक्ट्स विद एनहाइड्रीन एंड ये आपका एक लिंकेज बना देता है इस तरीके से बिटवीन दीज टू। ठीक है, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एनहाइड्रीन फॉर्म अ लिंकेज, दिस NH2 लेट्स देम लिंक टूगेदर दिस वे। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग क्या है, सी वन प्रोडक्ट इज वाटर, द अदर प्रोडक्ट इज एन aldehyde विच इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल, बट दिस थर्ड प्रोडक्ट, दिस एनहाइड्रीन कम्प्लेक्स या कंडेंस, अ कंडेंस ऑफ एनहाइड्रीन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो एनहाइड्रीन ने चीज़ बनाई है ना, ये इसका जो कलर है ना, ये हमें बताता है कि अमीनो एसिड के साथ रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। एनहाइड्रीन की प्रॉपर्टी ये है कि ये किसी भी अमाइन के साथ रिएक्ट कर जाती है। यू अंडरस्टैंड, अमाइन ऐसे कंपाउंड्स जिनमें अमीनो एसिड्स लगा होते, दे आर अमाइंस। सो एनी कंपाउंड, फॉर एग्जांपल आर NH2 इज एन अमाइन। ठीक है, सो दिस अमाइन विल रिएक्ट विद अमीनो एसिड टू गिव दिस कम्प्लेक्स। फर्क सिर्फ ये होगा कि एल्डिहाइड और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर इस केस में प्रोड्यूस शायद ना हो। ठीक है, बट देन इवन देन देर वुड बी सम मैथेन एक्सेट्रा विच वुड स्टिल बी प्रोड्यूस्ड या अल्केन। सो दिस NH2 पार्ट, किसी भी कंपाउंड में अगर NH2 हो वो एनहाइड्रीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, उसका अमीनो एसिड होना ज़रूरी नहीं है। पहली बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि अमाइंस जब भी एनहाइड्रीन के साथ रिएक्ट करते हैं सो कलर्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं, कलर्ड प्रोडक्ट्स बनते हैं। अच्छा, किस किस किस्म के कलर्स प्रोड्यूस हो सकते हैं? अगर आप किसी, लेट्स राइट इट हियर, अल्फा अमीनो एसिड, जो भी आपने पढ़े हैं अपने थ्रू आउट इस कोर्स में जो आप पढ़ते आ रहे हो, अगर आप किसी अल्फा अमीनो एसिड का एनहाइड्रीन सॉल्यूशन के अंदर अगर आप इसको डाल दो, ठीक है, तो व्हाट हैपेंस इज कि आप ब्लूइश पर्पल कलर के प्रोडक्ट्स बनाते हो। लेट्स फिल दिस विद ब्लू एंड पर्पल, ठीक है, सो दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट। ठीक है, वी आर टॉकिंग अबाउट ब्लूइश पर्पल प्रोडक्ट्स। ठीक है, नॉट एग्जैक्टली हाफ पर्पल हाफ ब्लू लाइक इन दिस फिगर, व्हाट आई मीन टू से इज ब्लूइश पर्पल प्रोडक्ट्स, दिस इज व्हाट यू फॉर्म अगर आप एनहाइड्रीन को किसी अल्फा अमीनो एसिड के अंदर डालो। अमूमन सबके साथ यही होता है एक्सेप्ट फॉर प्रोलीन। प्रोलीन में जो प्रोडक्ट है इट इज़ अ लिटिल डिफरेंट। उसकी एक वजह है क्योंकि प्रोलीन का जो, इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन, वो ऐसा होता है कि उसमें एक कार्बन है, उसके एक तरफ COOH लगा हुआ है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा हुआ है, और इंस्टेड ऑफ दिस के उसके एक तरफ अमोनिया और एक तरफ आर चेन हो, इसमें एक यूं करके एक कंपाउंड लगा होता है और दिस कॉर्नर इज बेसिकली अमोनिया, इसके एक तरफ एच लगा हुआ है, बाकी दीज थ्री आर कार्बन्स। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोलीन। सो इस वजह से चूंकि इसमें टर्मिनल नहीं है अमीन, डू अंडरस्टैंड टर्मिनल अमीनो ग्रुप, टर्मिनल मीन्स के NH2 आपका किसी कोने पे लगा होना चाहिए। मसलन जब आप यूं कहते हो ना कि कार्बन के एक तरफ NH2 लगा दो, एक तरफ R लगा दो, एक तरफ H लगा दो और एक तरफ COOH लगा दो, इसका मतलब ये होता है कि इस NH2 के आगे स्टोरी ख़त्म हो गई, ये नाइट्रोजन दो हाइड्रोजन के अलावा किसी और चीज़ के साथ बॉन्डेड नहीं है। बट इन दिस वन यू कैन सी दिस इज़ नॉट अ टर्मिनल अमीनो ग्रुप। सो जब टर्मिनल अमीनो ग्रुप्स के साथ एनहाइड्रीन रिएक्ट करता है तो इस तरह के प्रोडक्ट्स बनते हैं विच आर ब्लूइश पर्पल। बट अगर प्रोलीन के साथ रिएक्ट करवाओ आप, जो कि टर्मिनल कंपाउंड नहीं है अमीनो एसिड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, सो फिर आपके पास येलोइश ऑरेंज प्रोडक्ट्स बनते हैं। सो लेट्स
yellowish orange products would something be like this. You can see this is yellowish orange product. ये अगर आप प्रोलीन के साथ रिएक्शन करवाओ तो फिर ये चीज़ बनती है. यहाँ तक भी क्लियर हो गया. दिस वॉज इम्पॉर्टेंट. देन देर इज़ अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन ऑफ निनहाइड्रीन. यू सी हियर, ये क्या नज़र आ रहा है आपको? एक फिंगरप्रिंट नज़र आ रहा है, फिंगर प्रिंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. ओके, व्हाट्स इंटरेस्टिंग हियर इज के जो ह्यूमन बॉडी है ना, जब आप स्वेट आपको आता है, जब आपको पसीना आता है, तो आपके जो जिस्म के ऊपर अगर आप देखो ना, आपके फिंगर्स के ऊपर, आप इफ लेट्स से दिस इज योर थंब और एनी फिंगर, वंस अगेन सॉरी आई एम बैड एट ड्राइंग, लेट्स कंसिडर दिस इज योर थंब फ्रॉम द फ्रंट साइड. तो आपके थंब के ऊपर ना देर आर लाइन्स लाइक दिस. तो ये जो आपकी लाइन्स हैं, इन लाइन्स के बीच में आपको पसीने के कुछ समझ लो कि ड्रॉपलेट्स जो हैं ना, ये यहाँ पे लग जाते हैं. एंड दीज ड्रॉपलेट्स बेशक वो सूख जाते हैं या उसके अंदर से वाटर एवेपरेट हो जाता है, देर इज स्टिल सम थिंग लेफ्ट ओवर देयर. ठीक है, इट्स बैड एट टेलिंग, बट अगर आप कभी इसको टेस्ट करो तो ये आपको थोड़ा नमकीन सा फील होता है, ये जो आपका स्वेट होता है आपको अपना. यू एवरीबडी वुड हैव टेस्टेड डेफिनेटली. बट सो दिस नमकीन थिंग, ये क्या चीज़ होती है? दिस इज बेसिकली एन अमीनो एसिड जो आपकी बॉडी ने स्क्रीट किया है. ठीक है, आपकी बॉडी से ये निकला है, इसके अंदर अमीनो एसिड होता है. इसका मतलब ये है कि आप किसी भी जगह पे जब हाथ लगाते हो, फॉर एग्जांपल अभी आपने, अगर आप लैपटॉप पे बैठे हुए हो या अगर आप अभी कंप्यूटर पे बैठे हुए हो, आपने माउस को होल्ड किया हुआ है, ठीक है, या आपने किसी कीबोर्ड की की को होल्ड किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप उसके ऊपर टच तो कर रहे हो ना अपने हाथों से. सो आप चूंकि अपने हाथों से टच कर रहे हो, तो आपके हाथों पर कभी ना कभी पसीना भी आया होगा और कुछ ना कुछ मॉलिक्यूल्स ऊपर रह भी गए होंगे. सो वो मॉलिक्यूल्स यहाँ पे डिपॉजिट होते जा रहे हैं हर जगह पे. अगर बाद में कोई इन्वेस्टिगेशन करने आता है आपके घर में, ठीक है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है, सो व्हाट ही विल डू इज कि वो निनहाइड्रीन लेगा और निनहाइड्रीन थोड़ा सा फेंक देगा सारी चीज़ों के ऊपर. सो निनहाइड्रीन विल स्टार्ट रिएक्टिंग विद ऑल दीज अमीनो एसिड्स, एंड जहां जहां पे अमीनो एसिड होगा वहां वहां पे पर्पल होने लग जाएगी जगह. दिस वे, दिस कलर, दिस इज ब्लूइश पर्पल कलर, पर्पल ब्लूइश कलर, राइट. सो जहां जहां पे निनहाइड्रीन होगा, अब ये देखो, जब इस बात का मैं ये मतलब है कि जिस जिस जगह पे इंसान के इस थंब के ऊपर या जिस भी फिंगर का ये फिंगरप्रिंट है, इस जगह पे देयर वाज सम अल्फा अमीनो एसिड विच वॉज सिक्रेटेड, दैट्स वाई द इमेज इज पर्पल ब्लूइश. बिकॉज आई टोल्ड यू कि अगर इफ इट वॉज नॉट एन अल्फा अमीनो एसिड या टर्मिनल अमीनो कंपाउंड, देन द कलर वुड नॉट बी ब्लूइश पर्पल. सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक विच आई हैव टोल्ड यू राइट नाउ, कि आप निनहाइड्रीन को इस्तेमाल करते हुए फिंगरप्रिंट सेंसर्स बनाते हो. फिंगरप्रिंट सेंसर्स, आप अक्सर वो एक फिंगरप्रिंट लगाते हो ना, अक्सर लैपटॉप्स के साथ भी आजकल आया हुआ है, आप उसके ऊपर अपना थंब रखते हो. ठीक है, सो वो करता ये है कि इस तरह का एक इमेज जनरेट कर लेता है. ठीक है, और उस इमेज को यूजिंग निनहाइड्रीन वो ये इमेज जनरेट करता है. फिर उस इमेज की प्रोसेसिंग होती है, इमेज प्रोसेसिंग, और इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू उसने अपने एक रिकॉर्ड में, डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग के थ्रू, वो एक कंपैरिजन करता है प्रीवियस इमेजेस के साथ, एंड देन वो डिसाइड करता है कि क्या ये वही थंब है जो पहले स्टोर किया गया था इस कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर. सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट एप्लीकेशंस ऑफ निनहाइड्रीन एंड अ वे टू सी कि किसी चीज़ के अंदर अल्फा अमीनो एसिड है या नहीं है. दिस इज ऑल्सो कॉल्ड निनहाइड्रीन टेस्ट. निनहाइड्रीन टेस्ट बिकॉज इट अलाउज यू टू सी कि अगर उस चीज़ के अंदर निनहाइड्रीन है या नहीं है. दिस इज इट फॉर दिस लेक्चर. आज के लेक्चर में हमने दो किस्म के रिएक्शंस देखे हैं अमीनो एसिड्स के. अच्छा, लेट इट बी क्लियर, इट्स नॉट अमीनो, इट्स अमीनो एसिड्स. ओके, सो अपने अमीनो एसिड्स के दो रिएक्शंस देखे हैं. ठीक है, वन ऑफ देम वॉज फिशर स्टेरिफिकेशन, जिसमें आपका कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व था, एंड देन देयर वॉज जिसमें अमीन ग्रुप इन्वॉल्व था, दैट वॉज द फॉर्मेशन ऑफ एल्फा हाइड्रोक्सी एसिड्स. फिर उसके बाद हम लोगों ने निनहाइड्रीन टेस्ट देखा है, इन विच निनहाइड्रीन
reacts with alpha amino acids and any compound which contains NH2 group, ठीक है, टर्मिनल NH2 ग्रुप स्पेशली, तो वो उसके साथ रिएक्ट करके ब्लूइश पर्पल प्रोडक्ट बनाता है, ठीक है. यू हैव सीन द रिएक्शन टू हियर, दिस वन इज द रिएक्शन, दिस एनहाइड्रीन इज रिएक्टिंग विद एन अल्फा अमीनो एसिड टू जनरेट दिस कलर्ड प्रोडक्ट, राइट, जो आपको ग्रीन में नज़र आ रहा है राइट साइड पे. एंड देन देर आर सम बाय प्रोडक्ट्स टू, डिपेंडिंग कि आपने कौन सी चीज़ का रिएक्शन करवाया था. In the next lecture, we will see what are proteins and how are proteins formed alpha amino acids के through, ठीक है. And हमने इससे पहले भी थोड़ी सी बात की थी कि आपके पास peptide linkages होते हैं, we'll see them in detail.